देखिए दोस्तों, आयरलैंड की इकोनॉमी एक तो पहले ही इतनी बुरी हालत में थी, दूसरा इम्पोर्ट बंद करने की वजह से रॉ मटेरियल और ज़्यादा शॉर्ट हो गया, क्योंकि आयरलैंड में ना तो कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री थी पहले से जो कुछ मैन्युफैक्चर करने के बाद एक्सपोर्ट कर सकती और उनकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती, और ना ही उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनको यूटिलाइज करके वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके। तो हुआ ये कि आयरलैंड की इकोनॉमी मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई और ये फैसला आयरलैंड के लिए गले का फंदा बन गया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आयरलैंड के लिए हालात इस कदर मुश्किल हो गए कि मजीद 5 से 8 लाख लोग दोबारा से माइग्रेट कर गए और आयरलैंड मानो खाली हो गया। आयरलैंड ना सिर्फ गरीब हो रहा था बल्कि गरीब से गरीब तर होता जा रहा था और आयरलैंड की इकोनॉमी अनइमेजिनेबल तरीके से क्रैश कर गई। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह समय बदलता जरूर है और सदा हालात एक जैसे नहीं रहते। इसी तरह 1960 में आयरलैंड के प्रेसिडेंट शॉन लेमेस